तो लास्ट क्लास में इक्विवेलेंट नॉर्म्स हमने डिफाइन किए थे. इक्विवेलेंट नॉर्म्स इक्विवेलेंट नॉर्म्स और किस तरह से डेफिनेशन हमने लिखी थी. कोई भी दो नॉर्म अपने पास हैं, सपोज नॉर्म एंड नॉर्म नॉट ऑन कैपिटल एक्स, वेयर कैपिटल एक्स इज ए नॉर्म लीनियर स्पेस, आर कॉल्ड इक्विवेलेंट. ये दो नॉर्म इक्विवेलेंट कहलाएंगे इफ इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी. ठीक है, दीज आर पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी सच दैट ए नॉर्म ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी नॉर्म ऑफ एक्स नॉट. ठीक है, नॉर्म नॉट ऑफ एक्स, ये कंडीशन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों नॉर्म कैसे बनेंगे, इक्विवेलेंट नॉर्म्स बनेंगे. और इक्विवेलेंट नॉर्म की जो मेन जो डेफिनेशन है कि कोई भी दो नॉर्म इक्विवेलेंट कहलाएंगे किसी भी नॉर्म लीनियर स्पेस पर अगर वो सेम टोपोलॉजी को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, स्पान करते हैं या सेम टोपोलॉजी इंड्यूस करते हैं. ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन फिर उसी की सहायता से हमने ये वाला रिजल्ट भी वहां पर निकाल दिया था. तो अब यहां से आगे इक्विवेलेंट नॉर्म्स का मतलब आप ये समझिए कि कोई भी दो नॉर्म है, एक तो सिंपल नॉर्म मैंने लिखा, एक नॉर्म के साथ मैंने नॉट अप्लाई कर दिया है, तो ये दोनों नॉर्म इक्विवेलेंट नॉर्म कहलाएंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. ठीक है, यानी ए और बी का एग्जिस्टेंस इस तरह से है पॉजिटिव रियल नंबर्स का कि ये कंडीशन फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ नॉर्म लीनियर स्पेस कैपिटल एक्स इज सेटिस्फाइड. ठीक है, इसके लिए अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम यहां पर हम करेंगे इक्विवेलेंट नॉर्म्स की. तो लिखिए थ्योरम, थ्योरम ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल, ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस, नॉर्म लीनियर स्पेस कैपिटल एक्स एनी नॉर्म दिस एनी नॉर्म इज इक्विवेलेंट टू एनी अदर नॉर्म एनी अदर नॉर्म और इसको मैंने नाम दे दिया नॉर्म नॉट. ठीक है, इसका मतलब यह है कि कैपिटल एक्स अगर फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस है, कैपिटल एक्स अगर फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस है, उस केस में इस पर कोई भी दो नॉर्म अगर हम डिफाइन करें तो वो दोनों नॉर्म्स कैसे होंगे, इक्विवेलेंट होंगे. ठीक है, यानी कि एक तो सिंपल नॉर्म मैंने लिखा है, एक नॉर्म के साथ एक नोटेशन मैंने लगा दिया नॉट. तो प्रूव ये करना है कि अगर एक्स फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस है तब ये दोनों नॉर्म क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे. तो इस चीज को हम प्रूव करेंगे. तो लिखिए इसमें, लेट कैपिटल एक्स इज फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस. ठीक है, फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस है इसका मतलब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. क्योंकि वेक्टर स्पेस में ही कुछ नई प्रॉपर्टीज, या लीनियर स्पेस या वेक्टर स्पेस एक ही चीज है, लीनियर स्पेस या वेक्टर स्पेस में कुछ नई प्रॉपर्टीज हम डालते हैं, वहां से हमारे पास नॉर्म लीनियर स्पेस बनता है, नॉर्म की कंडीशन सेटिस्फाई होती है. ये तो एक्स हमने मान लिया कि कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस है. तो एक्स अगर फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस है तब हम मान लेते हैं, लेट लेट
डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू एन। ठीक है, तो सपोज एक्स का जो डायमेंशन है वो हमने क्या मान लिया, एन। देन देन बेसिस ऑफ एक्स कंटेन्स बेसिस ऑफ एक्स कंटेन्स एन एलिमेंट्स, एन एलिमेंट्स। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है जिसमें जो स्पेस के हर एक एलिमेंट को क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो एन एलिमेंट्स, इसका जो बेसिस है वो कितने एलिमेंट्स कंटेन करेगा, एन एलिमेंट्स। तो मान लेते हैं लेट लेट बी इक्वल टू ई वन ई टू एंड सो ऑन ई एन इज बेसिस ऑफ एक्स, इज बेसिस ऑफ एक्स। तो बी अगर एक्स का बेसिस है तब क्या होगा, बेसिस की डेफिनेशन क्या है कि भाई ये सेट सबसे पहली चीज तो ये है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और दूसरी चीज ये है कि कैपिटल एक्स का अगर कोई भी एलिमेंट हम लें तब उस एलिमेंट को ई वन ई टू ई एन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये तो देन बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड फोर एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स, एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स वी कैन राइट एक्स इक्वल टू अल्फा वन ई वन प्लस अल्फा टू ई टू प्लस एंड सो ऑन अल्फा एन ई एन। ठीक है, वेयर अल्फा आईज आर स्केलर्स। ठीक है, तो यहां पर अगर वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस एक्स का डायमेंशन एन है तब उसका बेसिस वेक्टर जो होगा या जो उसका जो बेसिस सेट जो बनेगा उसके अंदर एन एलिमेंट्स होंगे, और क्या होगा कैपिटल एक्स के हर एक एलिमेंट को वो क्या करेगा, जनरेट करेगा। यानी अगर कैपिटल एक्स का कोई भी एलिमेंट मैं स्मॉल एक्स लूं तब स्मॉल एक्स को ई वन ई टू ई एन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ये बेसिस की डेफिनेशन है। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू किसके हो गया, नॉर्म ऑफ अल्फा वन ई वन प्लस अल्फा टू ई टू प्लस एंड सो ऑन अल्फा एन ई एन। ठीक है, दोनों तरफ मैंने नॉर्म लिया है, और इसके लिए मैं इनइक्वलिटी अप्लाई कर सकता हूं क्योंकि यहां पर ई वन ई टू ई एन क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, क्योंकि बेसिस के अंदर जो भी वेक्टर्स आ रहे हैं वो सारे क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तब उसके लिए हम एक लेमा अप्लाई कर सकते हैं। तो लेमा मेरे पास आ रही है नॉर्म ऑफ अल्फा वन ई वन प्लस अल्फा टू ई टू प्लस अल्फा एन ई एन, दिस नॉर्म विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, सी इंटू मोड अल्फा वन प्लस मोड अल्फा टू प्लस एंड मोड अल्फा एन मोड अल्फा एन। ठीक है, यूजिंग लेमा। ठीक है, कोई ना कोई सी इस तरह का एग्जिस्ट करेगा कि स्केलर की हर एक चॉइस के लिए ये कंडीशन क्या होगी सेटिस्फाई। तो ये लेमा आप देख सकते हैं, लास्ट दो या तीन लेक्चर से पहले हमने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था फाइनाइट डायमेंशनल के लिए तो सबसे पहले ये लेमा ही हमने वहां पर प्रूफ की थी। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ एक्स क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर, इसको देखिए इस तरह से हम लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू, नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू मोड अल्फा वन
प्लस मोड अल्फा टू प्लस एंड सो ऑन मोड अल्फा एन, ठीक है। इसको मैंने कोई भी नाम दे दिया, सपोज रिलेशन नंबर वन, ठीक है। तो यहां से एक रिलेशन मेरे पास आ गया, सिंपल नॉर्म के लिए मैंने इसको लिखा है। तो दोनों ही, एक तो एक सिंपल नॉर्म हम यहां पर ले रहे हैं, दूसरा नॉर्म नोट हम ले रहे हैं, और दोनों ही नॉर्म की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि दोनों को हम नॉर्म मानकर चल रहे हैं। हमें प्रूव ये करना है कि दोनों कैसे होंगे, इक्विवेलेंट नॉर्म होंगे। नाउ फोर फोर अदर नॉर्म, फोर अदर नॉर्म, नॉर्म नोट, इसके लिए मैं अब कर रहा हूं, ठीक है। इसके लिए मैं देखो क्या कर सकता हूं, नॉर्म एक्स नॉट इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा वन ई वन, अल्फा वन ई वन प्लस अल्फा टू ई टू प्लस एंड सो ऑन अल्फा एन ई एन, नॉर्म नॉट, ठीक है। मैंने एक्स की वैल्यू रखी, एक्स इक्वल टू किसके है, अल्फा वन ई वन प्लस अल्फा टू ई टू प्लस अल्फा एन ई। अब मैं यहां पर इनइक्वलिटी अप्लाई नहीं करके मैं नॉर्म की कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं। नॉर्म के लिए आपको पता है कि भाई नॉर्म ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू क्या लिख सकते हो, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स वन प्लस नॉर्म ऑफ एक्स टू। ये कंडीशन अगर मैं यहां पर अप्लाई करूं तो क्या बनेगा मेरे पास, दिस इंप्लाइज नॉर्म एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एल्फा वन ई वन नॉट प्लस अल्फा टू ई टू नॉर्म नॉट प्लस एंड सो ऑन अल्फा एन ई एन और नॉर्म नॉट। तो इन सब पर नॉर्म लग रहा है, तो आपको पता है कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू किसके होता है, मोड अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। तो ये कंडीशन नॉर्म नॉट जो हम ले रहे हैं ये भी नॉर्म की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज नॉर्म एक्स नॉर्म ऑफ नॉर्म नॉट ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू मोड अल्फा वन नॉर्म ई वन, ठीक है, नॉर्म नॉट प्लस मोड अल्फा टू और ई टू नॉर्म नॉट हो गया और प्लस मोड अल्फा एन और ई एन पर नॉर्म नॉट हमारे पास। इस तरह से इसको लिख सकते हैं, इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया समेशन ऑफ मोड अल्फा आई एंड नॉर्म ऑफ या नॉर्म नॉट ऑफ ई आई और आई इक्वल टू वन टू एन, आई इक्वल टू वन टू एन, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब ई वन ई टू ई एन सारे बेसिस के एलिमेंट्स है, तो बेसिस के एलिमेंट है इसका मतलब इन सभी की लेंथ क्या होगी, फाइनाइट होगी। तो बेसिस वेक्टर्स की लेंथ अगर फाइनाइट है तो मैं मान लेता हूं कि भाई नॉर्म ऑफ ई आई वेक्टर है जो लेंथ, इन सबका जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम और मैक्सिमम किस पर वेरी कर रहा है, आई पर, यानी कि आई इक्वल टू वन पर ई वन का नॉर्म, ई टू का नॉर्म एंड सो ऑन, इन सबका जो मैक्सिमम है उसको मैंने क्या मान लिया, के मान लिया। तो इन सबका मैक्सिमम अगर के है तब आप क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ ई आई नॉट इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ईच आई, भाई इन सबका मैक्सिमम अगर के है तो इंडिविजुअल सारे के सारे किससे कैसे छोटे होंगे। तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज नॉर्म नॉट ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू समीसन मोड अल्फा आई और के, तो ये लेस देन इक्वल टू का साइन अगेन इसी तरह चलेगा वन टू है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू पर ही आ रहा है, और के को अब मैं बाहर ले सकता हूं। तो यहां से मेरे पास बनेगा नॉर्म ऑफ या नॉर्म नॉट ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू के और समीसन मोड अल्फा आई आई इक्वल टू वन टू एन, ये टर्म मेरे पास आ गई। अब मोड अल्फा आई की वैल्यू आप देखो कहां से लिख सकते हैं, रिलेशन नंबर वन से, यहां से देखो आपके पास रिलेशन नंबर वन क्या है मेरे पास, इसको मैं दे देता हूं नंबर टू, नंबर टू फ्रॉम वन,
फ्रॉम वन, वन से क्या था मेरे पास, नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू किसके था, मोड एल्फा वन प्लस मोड एल्फा टू, यानी यही टर्म है, समेशन मोड एल्फा आई आई इक्वल टू वन टू एन, ये था मेरे पास। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज समेशन मोड एल्फा आई और आई इक्वल टू वन टू एन इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स अपॉन सी, और ये वैल्यू मैं सेकंड में अप्लाई कर रहा हूं यूजिंग इन टू, यूजिंग इन टू। तो टू में जब मैं इसको यूज करूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, नॉर्म ऑफ एक्स और नॉर्म नॉट इसका, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू के अपॉन सी और नॉर्म ऑफ एक्स, नॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहां पर रखी है। तो इनइक्वालिटी हमेशा इसी तरह चल रही है, लेस देन इक्वल टू, यहां पर भी लेस देन इक्वल टू होल्ड कर रहा है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं इंप्लाइज सी अपॉन के नॉर्म नॉट ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स, ये आ गया। और मैं मान लेता हूं सपोज ए इक्वल टू सी अपॉन के, सी ग्रेटर देन जीरो होता है, के ग्रेटर देन जीरो, तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज ए नॉर्म नॉट ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स, और रिलेशन नंबर इसको मैंने क्या मान लिया, टू, ठीक है, रिलेशन नंबर टू। तो एक तो मेरे पास ये कंडीशन आ गई। अब सेम चीज को मैं फिर से रिपीट करूंगा, लेकिन उसमें मैं क्या करूंगा कि नॉर्म्स को चेंज कर लूंगा, है ना, नॉर्म्स को क्या करेंगे अपन, चेंज। नाउ अब मैं इस तरह से ले रहा हूं, नॉर्म नॉट ऑफ एक्स इक्वल टू, नॉर्म ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एल्फा वन ई वन प्लस एल्फा टू ई टू प्लस एल्फा एन ई एन और इसका नॉट। इस पर मैं लेमा अगर अप्लाई करूं तो दिस टर्म विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ग्रेटर देन इक्वल टू सी इनटू किसके, समेशन मोड ऑफ एल्फा आई आई इक्वल टू वन टू एन, ये बनेगा। और इधर क्या चल रहा है मेरे पास, नॉर्म नॉट ऑफ एक्स, सपोज रिलेशन नंबर थ्री, ठीक है। तो नॉर्म नॉट के लिए मैंने इनइक्वालिटी यहां पर क्या की है, जो लेमा हमारे पास थी लेमा, उसको मैंने क्या किया है, अप्लाई किया है लेमा, क्योंकि ई वन ई टू ई एन जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, इसलिए सी ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट करेगा, जो एल्फा वन एल्फा टू एल्फा एन की हर एक चॉइस के लिए इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह से फॉर अदर नॉर्म, फॉर अदर नॉर्म, फॉर अदर नॉर्म क्या लिख सकता हूं मैं, नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू, इस नॉर्म के लिए अब मैं लिख रहा हूं, तो यह आ जाएगा मेरे पास नॉर्म ऑफ एल्फा वन ई वन प्लस एल्फा टू ई टू प्लस एल्फा एन ई एन, ये सिंपल नॉर्म मैंने लिया है। और इस पर नॉर्म की प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊं तो मैं इसको लिख सकता हूं लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एल्फा वन ई वन प्लस नॉर्म ऑफ एल्फा टू ई टू प्लस एंड सो ऑन नॉर्म ऑफ एल्फा एन ई एन, ये मेरे पास आएगा। ये टर्म इक्वल टू किसके होगी, मोड एल्फा वन नॉर्म ऑफ ई वन प्लस मोड एल्फा टू, मोड एल्फा टू और नॉर्म ऑफ ई टू प्लस एंड सो ऑन मोड एल्फा एन और नॉर्म ऑफ ई एन, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू समेशन मोड एल्फा आई और नॉर्म ऑफ ई आई आई इक्वल टू वन टू एन, ये मैं इसको लिख सकता हूं। अब ई वन ई टू ई एन बेसिस के वेक्टर्स हैं, इसलिए इनका जो नॉर्म है वो फाइनाइट होगा या लेंथ इनकी फाइनाइट होगी, तो अपन मान लेते हैं लेट लेट मैक्सिमम ऑफ नॉर्म ऑफ ई आई, जितने भी ई आई आ रहे हैं, आई वेरी कर रहा हूं मैं, तो आई इक्वल टू वन पर ई वन का नॉर्म ई टू का नॉर्म इस तरह से आएंगे, इन सब के मैक्सिमम को हमने क्या माना है, के इक्वल टू किसके बराबर लिया है, के बराबर पहले ही हमने लिया है, इसका मतलब नॉर्म ऑफ ई आई इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ईच आई। तो यहां से मेरे पास बनेगा, सो दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू, ये सारी टर्म लेस देन इक्वल टू के आएगा, तो के को मैं बाहर ले सकता हूं, के और समेशन मोड
अल्फा आई आई इक्वल टू 1 टू एन, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ रही है, नॉर्म ऑफ एक्स की। अब आप देखिए रिलेशन नंबर 3 से, 3 से समीशन ऑफ मोड अल्फा आई को क्या लिख सकता हूं मैं, समीशन ऑफ मोड अल्फा आई आई इक्वल टू 1 टू एन क्या होगा, लेस देन इक्वल टू नॉर्म नॉट ऑफ एक्स अपॉन सी। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू के और नॉर्म नॉट ऑफ एक्स अपॉन सी, और किसको मैंने काम में लिया है, फ्रॉम रिलेशन 3, फ्रॉम 3। तो यहां से हमारे पास क्या बन रहा है, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू, इज लेस देन इक्वल टू बी और नॉर्म नॉट ऑफ एक्स, जहां बी इक्वल टू किसके बराबर ले लिया मैंने, के अपॉन सी विच इज ग्रेटर देन 0, विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये रिलेशन मेरे पास कितना आ गया, नंबर 4। अब 4 और 2 से आप देख सकते हैं, सेकेंड रिलेशन मेरे पास ये है, ए नॉर्म नॉट ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स, और फिर नॉर्म एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी नॉर्म नॉट ऑफ एक्स। तो 2 और 4 को मैं जब एक साथ लिखूंगा, फ्रॉम 2 एंड 4, फ्रॉम 2 एंड 4 वी हैव ए नॉर्म नॉट ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी नॉर्म नॉट ऑफ एक्स, नॉर्म नॉट ऑफ एक्स। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये किसकी डेफिनेशन आ गई, इक्विवेलेंट नॉर्म्स की। तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दिस नॉर्म एंड नॉर्म नॉट आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट नॉर्म्स ऑन नॉर्म लीनियर स्पेस कैपिटल एक्स। ठीक है, तो कैपिटल एक्स यहां पर क्या था, फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर, ऑन फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस कैपिटल एक्स। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कि अगर कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस आपके पास है, तो उस पर कोई भी नॉर्म अगर आप डिफाइन करो, दो नॉर्म डिफाइन करो या दो से ज्यादा डिफाइन करो, वो सारे के सारे नॉर्म क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। प्रूफ करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, एक सिंपल नॉर्म आप लेकर चल रहे हो, उसके लिए आपने लेमा काम में ले ली, दूसरे नॉर्म के लिए मैंने क्या कर लिया, नॉर्म लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टी काम में ले ली, उससे मेरे पास रिलेशन नंबर 2 आ गया। फिर मैंने क्या किया, नॉर्म नोट के लिए तो लेमा काम में ले ली, और सिंपल नॉर्म के लिए फिर इनइक्वालिटी काम में ले ली। तो उसी तरह से एक तरह से नॉर्म्स को हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, जहां नॉर्म था वहां नॉर्म नोट आ गया, जहां नॉर्म नोट था वहां नॉर्म आ गया सिंपल। तो जब इंटरचेंज करेंगे तो वहां से अपने पास प्रॉपर्टी 4 आ गई, और 3 और 4, 2 और 4 को जब एक साथ लिखेंगे तो वहां इक्विवेलेंट नॉर्म्स की डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस है, उस पर डिफाइंड नॉर्म्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, उसके अंदर कुछ कॉम्पैक्ट स्पेस से रिलेटेड रिजल्ट्स को हम डिफाइन करेंगे, और साथ ही उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे।